couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? नारियल पेड़ में नारियल भी आ गए हैं। इतने छोटे छोटे प्लांट थे ना पहले, इतने इस हाइट के, अभी देखो कितने बड़े हो गए, ऊपर नारियल आ गया। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं आपको जस्ट स्कूल छोड़ के आई और ये आज की ग्रोसरी गलत ऑर्डर हो गया। वो राई चाहिए थी मुझे, ये छोटी वाली राई आ गई, मतलब इसके आते हैं ना बड़े वाले और छोटे वाले, तो ये आ गया हमको छोटा वाला। सारे सरसों अरिना ने वो सीड प्रोजेक्ट्स में डाल डाली, खत्म कर दी। पहले तो सीड का कलेक्शन लेके जाना था उनको, उसमें यूज कर लिया। फिर उसके बाद सीड प्लांट करने थे, उसमें यूज हो गया, तो थोड़ी सी बची हुई थी, पूरी उसने ऐसे प्रोजेक्ट में डाल के खत्म कर दिया। कुछ बारीक वाली आ गई है, चलो एनीवेज यूज करना पड़ेगा। और यस ये ऑयल ये वाला है जो मैं लेती हूँ, कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल भी मैं कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक लेती हूँ, और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे ना अभी कमेंट में आया था एक दो, जब मैंने शेयर किया था हमारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का, तो आपने पूछा था किसी ने कि मतलब क्योंकि सुभाष की लास्ट टू लास्ट ईयर के जो टेस्ट था उसमें आया था वो थोड़ा सा ज्यादा आया था कोलेस्ट्रॉल, तो उस टाइम पर डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लो, तो भी उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल कभी भी ऊपर गया नहीं। आई डोंट नो वही रीजन है कि क्या है, नॉट श्योर, बट वी फॉलो दैट वी चेंज्ड, तो हम यही लेते हैं आजकल। सो यस दिस वाज द आंसर टू योर कमेंट, एंड यस आई लव दिस, ये जो आई एम लविंग दिस बटर वाला जो है ना, काफी इजी है पता है इसको यूज करना। जब मैं मॉर्निंग में यूज करना होता है ना, या तो रात को निकाल के रख देती हूँ तो सॉफ्ट हो जाता है सुबह तक, और या फिर ये हार्ड भी रहता है ना, तो भी इसका जो स्पून है ना, ये नाइफ स्पून कह रही हूँ, ये इससे आराम से निकल के आ जाता है, और हल्का सा वाइप करके इसके ऊपर लगा दूँ तो ऐसा है नहीं कि वॉश करते रहो बार बार, तो वाइप करके, एंड आई कीप इट इन माई फ्रिज। मस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। तो आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स का भी वही था कि आप लोगों को भी मेरा जो हॉल गया था किचन का, उसमें ये वाला ही सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो आपको ये आपकी और मेरी जो चॉइस है कितनी मैच करती है। चलो आज थोड़ा जल्दी हो गया, आज मैं जिम नहीं गई, जुम्बा ही किया मैंने आज, और पूरे बाल ऐसे गीले हो जाते हैं ना पूरे, तो आज ना बहुत ज़्यादा लेग दुख रहा है बिकॉज कल मैंने जिम में लेग किया था, कल जुम्बा में भी मोस्टली लेग पे ही स्ट्रेस था, तो मेरा लेग इतना पेन हो रहा था, मैंने कहा चलो आज छुट्टी लेते हैं इससे पहले कि पैर काम करना बंद कर दो। आज जुम्बा में भी लेग से रिलेटेड ही थोड़ा था, सो काफ़ी थकान हो गई है, थकान से ज़्यादा क्योंकि एक महीने का ब्रेक रहा ना दिल्ली गई, तो वापस आके वो पिकअप करना, तो वो जो बॉडी का है ना नीचे हो जाता है, वापस उसको लेके आना पड़ता है लेवल में, तो ये पेन तब तक मतलब वापस रहता है, फिर आता जाता रहता है। जब भी आप ब्रेक लोगे ना वापस करोगे तो ये स्टार्ट होता है, सो वही है। और या कोल्ड भी हो गया है मुझे बिकॉज से गले में ना सुबह से दर्द हो रहा है, मुझे कल लगा पता है, मैंने मेरी ही गलती है, कल मैं गई यहाँ से जुम्बा से, यहाँ पे क्या होता है ना फैन रहता है, इसी वगैरह कुछ रहता नहीं है, तो ओपन करते हैं और पूरा बॉडी ना वार्म होता है, पसीना आता है, और इमिडिएटली मैं जिम में जाके जहाँ पे एसी का वेंट था उसी के नीचे मैं एक्सरसाइज करने लगी, तो जो ठंडी हवा ना सीधा सर पे पड़ रहा था मुझे, उस टाइम एकदम से ऐसे रियलाइजेशन होता है ओ यार हो गया काम, तो एक्चुअली में काम हो ही गया। तो गला भी आज दुख रहा है, गला नाक ऐसा कोल्ड वाला जो फीलिंग होता है ना यहाँ पे पूरा पीछे वैसा हो रहा है, सो थोड़ा गार्गल वगैरह करते हैं वरना बढ़ ना जाए। तो यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है, पनीर बना लूंगी। It's like I waited all my life, so happy that I found you. I'm paper thin. I haven't always been this shy, but haven't felt this in a while now. So sad when we are apart. If you leave, you break my heart. I need you to need me too. Stay with me when it's getting dark. Hold me tight, close in your arms. I want you to want me too. Why is it so hard to just be honest? Why is it so hard to speak the truth? पनीर तो बना लिया है, अभी बहुत ही
सिंपल येट मतलब बहुत टेस्टी, और ना कोई गेस्ट वगैरह एकदम से समझ में नहीं आया ना क्या बनाऊँ, ये रेसिपी बना के देखना, मज़ा आ जाएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। और आउच शायद मेरे पैर ना बहुत दुख रहे हैं बैठते हुए, मेरे ना कान में भी बहुत पेन हो रहा है। डोंट नो ये कान पक रहा है क्या, मतलब देख के तो नहीं लग रहा है कि पक रहा है, नॉट श्योर। इसमें नहीं है पेन उतना, मतलब एक महीना आई थिंक हो ही जाएगा, पर इसका पेन नहीं गया, डोंट नो। चलो एनी वेज, और बहुत टाइम बाद मेरा ये वाला एरिया का पिंपल थोड़ा कम हो गया, वो जब से पीसीओडी हुआ है ना तब से मैंने देखा है कि ये एरिया जो है ना मेरा पिंपल जब देखो तब आते जाते रहते, मोटे वाले पिंपल नहीं बट छोटे छोटे दाने वाने ना आते जाते रहते हैं। चलो बस मेरे को ये है कि ये वाला ठीक हो जाए ना, आपको सोते हुए थोड़ा सा यहाँ पे पेनफुल रहता है। सो आज आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मानसी बस पेन 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 सुना रही है, अभी क्या करें, अपना दर्द सुना रही, दुखड़ा सुना रही हूँ आपको कि आपको भी लगे कि भैया आपको भी पेन होता है, मेरे को भी पेन होता है। बिकॉज आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, ये कर लेते हो, तो देखो भाई ऐसे दिन भी होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पेनफुल सब कुछ पेन कर रहा होता है, बट भाई अभी जिम वगैरह कैसे करते रहेंगे तो वो पिकअप होता है, तो ऐसा है। जब ब्रेड होता है सुभाष को रोज पूछती हूँ, सुभाष चाय के साथ ब्रेड लोगे, सुभाष लोगे, नहीं नहीं लेंगे, आज ब्रेड खत्म हो गया है, मैंने उसको मैंने दे दिया, उसको नटेला था, उसको नटेला ब्रेड खाना था, उसको दे दिया, तब उसको सुभाष को भी आज ब्रेड चाहिए जब खत्म हो रहा है। हाँ सुभाष ऐसे मिलेंगे ऐसे ब्रेड बचे कुचे, चलो अच्छा वेस्ट नहीं होगा कुछ भी। ये लो स्पेशल तुम्हारे लिए, स्पेशली बनाया है तुमको बोला ना नहीं बचा है, मंगा देती तो मंगा देती, लेकिन फिर वो वेस्ट होगा, कोई खाएगा नहीं, कोई नहीं ये बता रहे। तो मुझे भी चाय की बहुत जरूरत है, ऐसा गला दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैर सब पूरी बॉडी दुख रही है, गला भी दुख रहा है। क्यों कल एसी में चली गई, एसी का ऊपर था जो वेंट था ना बिल्कुल ऊपर था, एसी ठीक हो गया। हां एसी ठीक हो गया, हां एसी ठीक हो गया, जिम का हमारे जिम का एसी खराब था, तो कल जुम्बा में ना काफी वो था, बहुत हाई उसमें था, पसीने पसीने गर्म, और वहां पे चली गई मैं एसी में, और जो मैंने करना स्टार्ट किया ना तो स्टार्टिंग में जो सारा किया एक्सरसाइज वो ऊपर जो बैंड था ना बिल्कुल उसके नीचे, ठंडी हवा बिल्कुल ना सर पे आ रहा था, अच्छा लग रहा था, तो वहीं पे कर दिया मैंने, और फिर मेरे को बाथरूम में टेंस आ रही यार, एक्स्ट्रा अदरक डाल के बहुत सारा अदरक डाल के मैंने बनाया चाय, गले में अच्छा लग रहा है, काली मिर्च सब एक्स्ट्रा डाल दिए। मैं लिए हैं 5 बड़े बड़े टमाटर, और 3 यहाँ पे लिए हैं प्याज, और यहाँ पे है अदरक लहसुन और काजू। सो कढ़ाई में लेंगे हम ऑयल, प्याज, टमाटर, तो जो मैंने आपको सब दिखाया ना सब हम इसमें डाल देंगे अभी। बहुत ही टेस्टी है ये रेसिपी, येट वेरी सिंपल। अब इसमें डालेंगे नमक, और इसको कम आँच पे ढक के कुक करेंगे, अच्छे से सब सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज अच्छे से कुक हो गए हैं, इसको ठंडा करके हम इसका बिल्कुल बारीक वाला जो पेस्ट होता है ना वो बना लेंगे। तो कढ़े में ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर आप ज्यादा ले सकते हो, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और जीरा। अगर आपको ज्यादा रेड कलर चाहिए ना तो ये स्किप करके ये ज्यादा डाल सकते हो, सो कम्प्लीटली अप टू यू। हल्का सा भून लेंगे, हमने पेस्ट बनाया है उसको इसमें डाल देंगे, तो थोड़ी देर इसको हिला देंगे और एक उबाल आने देंगे। अगेन ये थिक और थिन आपके ऊपर, आपको जितना थिक और कितना थिन चाहिए। अच्छे से उबाल आ गई है, तो जो पनीर है क्यूब उसको इसमें हम डाल देंगे, और हम डालेंगे कसूरी मेथी एंड मिक्स को वापस से ढक के थोड़ी देर और कुक होने देंगे। ये बहुत बड़ा काम है, सुभाष घर पे रहता है तो बड़ी हेल्प हो जाती है छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा। पर सुभाष ने कप तोड़ दिया, बहुत पुराना, बहुत पुराना, सही बोला ये, बहुत पुराना। हाँ सुभाष का बस, हाँ सुभाष का बस चला तो सुभाष पुरानी सब चीजें तोड़ दे। मेरी आदत है चीजें समेट के रखने की, सुभाष की आदत है क्या करोगे इसका छोटे नहीं यूज करोगे, फेंको। सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हल्का हल्का ऑयल आना ऊपर स्टार्ट हो गया है, इस पॉइंट पे मलाई डाल रही हूँ मैं, मलाई आपके ऊपर है ज्यादा कम, तो क्योंकि हम ही खाने वाले हैं घर में कोई गेस्ट है नहीं, तो मलाई थोड़ा सा मैंने कम ही रखा है। सो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर और कुक होने देंगे। सो अभी अच्छे से कुक हो गया है कुछ इस हिसाब से है, देखिए ग्रेवी कितनी रिच और बिल्कुल मुलायम सी लग रही है ना। तो अब इसको बंद कर दूंगी, अभी इसके बाद पानी थोड़ा सा और कम होगा, तो इस पॉइंट में ज्यादा नहीं करूंगी वरना ज्यादा थिक हो जाएगा।
You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said. लंच हो गया है, सबको लंच इतना पसंद आया, पनीर इतना पसंद आया। इसमें ना आप चिकन भी बना सकते हो। आई डोंट नो मैंने रेसिपी में बताया कि नहीं बताया, चिकन को हल्का सा ना मैरिनेट करके साइड में फ्राई कर लो और जैसे पनीर डाला है वैसे चिकन को एंड में डालो, बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली जो बोनलेस चिकन होता है ना वो डाल करके बनाओ, तो इट वॉज सीरियसली बहुत टेस्टी। और आपने कहा कितना सिंपल था इसको बनाना, तो मैंने तो ज्यादा करके बनाया था कि रात को भी हो जाएगा करके, बट अभी आफ्टरनून में सारा खत्म हो गया, अभी रात को डिनर के लिए सोचना पड़ेगा। तो मैंने आज प्लान नहीं किया था, मुझे था कि ज्यादा बना रही तो रात का हो जाएगा। चलो एनीवेज, इट्स नाइस कि मैंने पहली बार कुछ ट्राई किया यू नो ना, तो वो सबको पसंद आया वही सबसे बड़ी बात। और अभी पक्का ट्राई करना और बनाओ तो पक्का मेरे साथ फोटोज शेयर करना। जरनिया दिखी नहीं पूरे दिन वीडियो में, ये देखो उल्टी लटकी हुई है हमारी जरनिया। जैसे मत कर, ऐसे कौन करता है वैसे, टिकल करो ऐसे ऐसे, उठ जाओ, लग जाएगी गर्दन पे, लग जाएगी ना गर्दन पे लग जाएगी। तो अभी चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुझे चाय की रेसिपी पूछी थी एक फ्रेंड ने, दो तीन बार पूछ लिया उन्होंने। तो आज सुभाष चाय बनाने जा रहे थे, मुझे बैठे बैठे चाय मिलने वाली थी, कोई बात नहीं आज चाय की रेसिपी शेयर करते हैं। सुभाष और मैं दोनों सेम ही बनाते हैं। तुम बेटर बनाते हो? अच्छा। तो दो कप चाय के लिए मैं यहाँ पे लिया है इस कप का, तीन कप पानी, नॉर्मल चाय पत्ती जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीती हूँ ना, इसे थोड़ा सा ज्यादा ही डालती हूँ चाय पत्ती। तो जरूरी है कि आपको पापा को, पापा को पानी डाला, उन्होंने डाला है तो मस्ती कर रही है ननिया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इलायची, आप एक या ज्यादा ले सकते हो अपने हिसाब से। पर आज ना अदरक ज्यादा डालती हूँ इसलिए इलायची कम रख रही हूँ। इलायची और लौंग मैं डाल रही हूँ तीन, आप दो डालना। अगेन गले की वजह से मैं आज तीन डाल रही हूँ। यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो काली मिर्च जो है ना उसको भी पूरे यहाँ पे डाल के एक साथ सब घूट लेना। भाई आप चाहो तो अलग अलग से भी डाल सकते हो, मैं काफ़ी बार होता है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं बाद में अलग से ये अदरक कूट के डाल देती हूँ। तो कितना शोर कर रहे हैं यहाँ पे सुभाष और नैया पीछे बर्तन वो करके। तो मैं इलायची और काली मिर्च अलग से डालती हूँ बाद में, पर आप साथ में कूट लो तो भी बेटर है, फ्लेवर आ जाएगा पूरा। ये काम चल रहा है इसका तब से, नटेला का डब्बा आया नहीं कि ब्रेड में ज्यादा, अनन्या के हाथों में कम, ब्रेड में कम, अनन्या के हाथों में ज्यादा रहता है। वही पहले नहीं पसंद आती, अभी खास से ज्यादा नहीं, हमेशा से पसंद है नटेला, उसको नहीं पसंद आता है। तो उसको इधर डाल देंगे, तुम तो अलग ही कैटेगरी की, दाल चावल के ऊपर उठे ही नहीं कभी। तुम्हारा बर्तन खत्म नहीं हुआ सुभाष, बर्तन बर्तन भूल गया कि बाकी बर्तन भी रहेगा सुभाष में। सर मैं सिर्फ प्लेट्स रखी, उसके बाद सुभाष ने कुछ नहीं रखा। मैं सुभाष के बाद में बोली मुझे ब्लॉग में दिखाने के लिए चार प्लेट्स ही यहाँ पे रखे, मैं भूल गया पता है मजाक कर रही हूँ। नहीं सुभाष तुम्हारे साथ कॉल आ गई थी उस टाइम पे, तो ऐसा प्लेट्स रख के गायब। तो चलो यहाँ पे हमारी जो चाय पत्ती है वो अच्छे से उबल रही है। तो अच्छे से हमारी चाय पत्ती उबल गई है, एक से दो मिनट उसमें हम दूध डाल देंगे। बस यही मेरी रेसिपी, मैं थोड़ा दूध कम ही रखती हूँ, काफी लोगों को दूध वाली चाय पसंद आती है, हमको थोड़ा कम दूध वाली पसंद आती है। अब इसको वही उबालना है, आप उबालो जितना आपको इसकी कंसिस्टेंसी पसंद आती है चाय की उतना। हम थोड़ा सा वो वैसे लेते हैं स्ट्रांग लेते हैं तो ज्यादा ही इसको थोड़ा सा उबालते हैं। ये देखो ऐसी मलाई सी आ गई है, खैर इससे ज्यादा जो मैंने टोटल चार कप डाले थे ना यहाँ पे वो रिड्यूस हो होके सिर्फ दो कप चाय बचे हैं। तो तीन कप पानी और एक कप मैंने दूध डाला था, अभी सिर्फ इसमें दो कप चाय बचा, तो इतना रिड्यूस करती हूँ मैं। तो इनकेस आप अगर यू नो इतना वो नहीं पीते हो इतनी क्या कहते हैं स्ट्रांग चाय, तो आप पानी थोड़ा सा कम रखना। जो एक्स्ट्रा पानी रखा था मैंने एक ग्लास एक कप, उसकी जगह आप आधा कप डाल देना। बस यही है, अभी लास्ट छानेंगे। अभी इसमें डालेंगे गुड़ का पाउडर। जब भी मैं गुड़ और ये चाय पत्ती डालती हूँ मुझे याद आता है मेरे जो किचन हॉल के सामान थे वो अभी तक मैंने सेट नहीं किया है किचन में। चलो नहीं बस, तो मैं इतना ही मीठा रखती हूँ। सो बन गई हमारी चाय, तो बस यही थी मेरी सिंपल चाय की रेसिपी। सो ये है मेरी चाय और ये हूँ मैं और ये चेयर्स आपके साथ। और मैंने दोपहर को ना क्रोसिन खा के सोई थी, अब जाके मुझे ऐसा पसीना आ रहा है इतना तेज वाला, बॉडी में लगा कि थोड़ा सा क्रोसिन खा लेती हूँ ना नींद नहीं आएगी। बट एनीवेज क्रोसिन ने वर्क किया नहीं किया, मेरा गला जो अजीब सा हो रहा था ना उसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। चलो इसके निकालते हैं और हम एंजॉय करते हैं चाय। ये देखो उठा के लेके जा रही है हैरी पॉटर, हैरी पॉटर बुक छोड़ नहीं रही है वो। अनियाली कह रही नीचे जाओ खेलने के लिए, नीचे चलो।
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be मेरा बिल्कुल डिनर करने का मन नहीं है। डर लग रहा है मुझे बनाई रोटी खाके कि पत्थर ना खराब हो जाए। नहीं नहीं तो अच्छी बनाते हो, मैंने पहले ही बनाई है। सुभाष की तारीफ, अपनी तारीफ भी खत्म नहीं हो रही। सुभाष ने आज रोटी बनाई है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना, खाने का मन कर रहा है ना। ऐसा दाँतों की कर रहा हूँ, पक्के इतने हार्ड भी नहीं बनेगा, तुम्हारे दाँत इतने पक्के हैं। अच्छा बनी है रोटी, नॉट बैड। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर एडिट भी करी, मैं एडिट करी, तुम यार बना लो दो रोटी। तो वही अपनी रोटी बना के अपनी तारीफ भी कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। कभी तो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बनी है, कभी बोल रहे हैं मेरे दांत अच्छे हैं। ऐसे ये सुभाष की तरकीब है, कंफ्यूज हुआ कर दो, बिल्कुल सबको कंफ्यूज कर दो कि समझ में ना आए सामने वालों को कि इंसान भूलना क्या चाह रहा है। मेरा काम ही हुआ ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो सब कुछ काम वाम हो गया है, डिनर विनर सब ऑल सबका सब कुछ डन। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी ना, देखो टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, बैठ के हम लोग देख रहे हैं मैनिफेस्ट। याद है आपको, मैंने आपको पहले बताया था ये सीरीज के 2 सीजन हमने से बैक टू बैक लगातार रात को जग जग के देख के खत्म किए थे। तब उसका नया सीजन आया है, तभी वही देख रहे हैं। तो चलिए इसके साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे हाजमोला है इसलिए थोड़ा वैसे बात कर रही हूँ। सो चलिए, गुड नाइट, सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।